राजस्थान में कुछ ही महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। एक तरफ भाजपा के नेता राज्य में भाजपा की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चुनाव से पहले ही भाजपा में हो रहे बवाल को भाजपा के नुकसान के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा ने अब विधानसभा के पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल को पार्टी से निलंबित कर दिया। दरअसल मेघवाल ने एक सभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल को भ्रष्ट बताते हुए सवाल उठाए थे। कैलाश मेघवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी के नोटिस के जवाब को सार्वजनिक किया है। मेघवाल ने कहा, मुझे बीजेपी ने निकाला है, मैं चुनाव लड़ूंगा और बीजेपी उम्मीदवार को हजारों वोटों से हराऊंगा। उन्होंने आगे कहा कि मैंने पीएम नरेंद्र मोदी को लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है। विधायक कैलाश मेघवाल ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं पर हमला भी बोला है। मेघवाल ने कहा, अर्जुन मेघवाल जैसा भ्रष्ट व्यक्ति देश का कानून मंत्री कैसे हो सकता है। कैलाश मेघवाल ने यह भी कहा कि राजस्थान में भाजपा गुटों में बटी हुई है, वसुंधरा राजे के खेमे को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश की जा रही है। कैलाश मेघवाल आगे कहते हैं कि अर्जुन मेघवाल भ्रष्ट अफसर रहे हैं। उद्योग सेवा से लेकर कलेक्टर रहने तक अर्जुन मेघवाल ने कई भ्रष्टाचार किए। उन्होंने चुरू में कलेक्टर रहते हुए शहीद सैनिक की वीरांगना के कोटे की जमीन हाउसिंग बोर्ड से गलत लोगों को आवंटित की थी। इसकी शिकायत हुई और एसीबी ने मामला दर्ज किया। दो बार जांच हुई, दबाव में एफआईआर पेश की। सेशन कोर्ट जज ने नाराजगी जताते हुए जाहिर करते हुए कहा था कि इस केस में दबाव बनाया जा रहा है। मेघवाल ने आगे कहा कि मैंने पीएम मोदी को भी अर्जुन मेघवाल को हटाने के लिए चिट्ठी लिखी है। अर्जुन मेघवाल ने चुनाव आयोग को झूठा एफिडेविट दिया है। मेघवाल ने आगे कहा कि अर्जुन मेघवाल ने चुनावी हलफनामे में अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के केस की जानकारी नहीं दी। चुनावी एफिडेविट में गलत जानकारी देना कानूनी अपराध है, उनके खिलाफ केस चल सकता है, मंत्री पद के साथ सांसदी जा सकती है। कैलाश मेघवाल आगे कहते हैं कि मैंने सारी बातें प्रधानमंत्री को लिख कर दी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी इस पर एक्शन लेंगे। अर्जुन मेघवाल जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को देश का कानून मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। जब ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को कानून मंत्री बनाया गया तो मैं सबूत इकट्ठा करना शुरू किया और उसको हटाने के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। एक भ्रष्ट व्यक्ति देश का कानून मंत्री कैसे हो सकता है। कैलाश मेघवाल आगे कहते हैं कि अर्जुन मेघवाल ने महाराष्ट्र के एक नेता से टिकट दिलवाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए लिए और उसे टिकट भी नहीं मिला। उसके बाद वह व्यक्ति कई पार्टी नेताओं के पास गया और पैसा वापस दिलाने का आग्रह किया। ऐसे कई भ्रष्ट कारनामे अर्जुन मेघवाल ने किए हैं। कैलाश आगे कहते हैं कि राजस्थान में भाजपा कई गुटों में बटी हुई है और एक गुट है जो वसुंधरा राजे को पूरी तरह अनदेखा कर रहा है। भाजपा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह गुटों में बटी है। वसुंधरा राजे के समर्थकों को चुन चुन कर बाहर किया जा रहा है। मैं वसुंधरा जी के खेमे में माना जाता हूं और वसुंधरा जी के खेमे को पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। वसुंधरा राजे क्या निर्णय लेती हैं वो जाने, लेकिन मैंने अपना स्टैंड ले लिया है। सीपी जोशी, राजेंद्र राठौर, सतीश पुनिया गुटबाजी कर रहे हैं। मैंने पीएम को लिखी चिट्ठी में विस्तार से सब कुछ लिखा है। मैंने लिखा है कौन गुटबाजी कर रहा है, कैसे कर रहा है, सब कुछ लिखा है। पार्टी को गड्ढे में डाला गया है। मेघवाल ने आगे कहा कि राजस्थान भाजपा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए देश के सारे नेताओं को यहाँ लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर जेपी नड्डा और बड़े बड़े मंत्रियों को यहाँ पर उतारा जा रहा है। सारे पदाधिकारियों को राजस्थान में लगाया जा रहा है। अगर हालात ठीक होते तो हिंदुस्तान की पूरी सरकार राजस्थान में क्यों उतर रही है। आने वाले चुनाव में कौन राजस्थान में सरकार बना रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।